सभी लोग आ गए। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, जरा पुरानी बातें अब रोज नहीं करेंगे, हल्की सी बातें कर लेते हैं। हमने कहा था जहां पर करंट होती है उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। कितना होता है उसके लिए बायो सेवर्स लॉ और बहुत सारे लॉज आप भी पढ़े, एम्पियर्स लॉ पढ़ा, फिर उनके एप्लीकेशन पढ़े, फिर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड पढ़ा, फिर टोराइडल में पढ़ा, ये सब आते हैं ना। अगर मैं कहूँ एट वंस यू प्रूव इट, कितने लोग हैं प्रूव कर लेंगे? सब लोग हाँ बोल देंगे, हमें मालूम है सामने तो हो नहीं बेटा, हम तो लिख ही लेंगे। कितने लोग प्रूव कर लेंगे? सभी लोग। चले मान लेते, क्यों पावनी प्रूफ कर लोगे? नहीं अभी नहीं। तुम बड़े ईमानदार निकले हैं। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही ना हमारी? यस सर। चलिए, हमने एक चीज बताई थी कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट फोर्स वाज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। आपने कहा भाई ठीक है, अगर थोड़ा सा देखें, थोड़ा देखिए ये विजिबिलिटी, ये ठीक है ना? बहुत ज्यादा शाइनिंग तो नहीं है? थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ी सी शाइनिंग। तो रुकिए, शाइनिंग कम कर देते, एक मिनट, लाइटिंग कम कर देते, एक अब कुछ कम हुआ? Yes, sir. Yes. नहीं, शाइनिंग और कम करें, बस थोड़ा सा। जरा लीव कर रहे हैं एक मिनट के लिए, भैया जाने ना कहाँ से। रुक जाओ भाई, कुछ कम हुआ? यस सर, अब ठीक है। यस। अच्छा, शाइनिंग पूरा ब्राइटनेस कर दो, पूरा वो आ जाएगा सफेद, होता है भाई। क्या तो हमने कहा था कि भाई एफ इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी, अभी बहुत ज्यादा है, बीच बीच कैमरा थोड़ा चेंज हो रहा है, आ देंगे तो और ब्राइट आएगा। अभी क्या दिख रहा है? यस अब दिख, बहुत फेंटेड दिख रहा है सर। पेंटेड दिख रहा है, फेडेड दिख रहा है। सो वो एक्चुअली आपकी मूवमेंट पे डिपेंड करता है। आए तो हम एक जगह से खड़े हो जाएं। अच्छा, वो फोकस कर रहा होगा हमारे ऊपर। यस सर, अब ठीक है। हैं सर, अब एकदम ठीक है। यहाँ से तो नहीं समझ में आ रहा है, आप ही लोग समझे, क्योंकि हमको तो उल्टा दिखाई पड़ता है ना। सर ठीक आ रहा है, ब्राइटनेस ठीक है सर। ब्राइटनेस तो हमने ठीक कर दी है, लाइटिंग भी कुछ कम की है हमने, अभी ठीक आ रहा है। क्यों अर्नो, क्या दिक्कत है अभी? तुम्हारा नेट स्पीड ठीक है? सर मेरा नेट तो ठीक है। तो अभी रुकिए, हो सकता है थोड़ा सा लाइट लिखा भी है, नया मार्कर यूज करे तो बहुत, यहाँ पर ये मोटा मार्कर है एफ इज इक्वल टू। नहीं सर, नहीं दिख रहा कुछ, तो पूरा गया उससे, मतलब थोड़ी है जो फोकस। लिखते हैं पहले, नहीं दिख रहा। हाँ दिख रही है सर, अब दिख रहा है। पेज दे वो कैसे दे? हैं
सर आप जब लिखते हो उसके बाद ही दिखता है, लिखते वक्त नहीं दिखता। नहीं जब लिखते हैं तभी दिखेगा। नहीं सर नहीं दिख रहा, ये अभी तो दिख रहा है क्योंकि आपने लिख दिया, पर जब आप लिखते हो तब नहीं दिखता है। अभी भी बहुत कम दिख रहा है। दिख रहा है बस काम चलाओ दिख रहा है। काम चलाओ उस काम थोड़ी चलेगा। ना लिख करूंगा एक मिनट, आप देख कर सेट कर लेते हैं, सेटिंग करते हैं। शाइनिंग बहुत हो रही ना? है ना? यस सर, यस सर। नहीं कहा तो अच्छे काफी ब्राइट हो गया है। ये आ रहा है यहाँ थोड़े पीछे कहाँ कर रहे हो सब? सर आप म्यूट पे।
जरा चेक कर रहे हैं इसलिए म्यूट किए हुए, मोबाइल चेंज किया हमने, सिस्टम चेंज किया है। जरा अब देखिए आ रहा है, यस सर बिल्कुल आ रहा है सही, यस सर एकदम क्लियर आ रहा है सभी को। आगे आएंगे तो फिर वो फिर अब थोड़ा सा वो ब्राइटनेस ज्यादा हो गया। ब्राइटनेस ज्यादा है, ब्राइटनेस वो शायद वो फोकस कुछ कम ज्यादा कर रहा है। यस सर मैं ब्राइटनेस कम करके देखता हूं। जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। अब तो ठीक आ रहा ना? यस सर। लाइटिंग और तो नहीं करनी जरूरत है? नो सर। हाँ लाइटिंग कुछ कम की है हमने, लेकिन अब वैसे ही लाइटिंग थी, पता नहीं क्यों ब्राइटनेस क्या दिक्कत कर रहा था। चल देखते हैं। अब देखिए तो वो एक अलग बात है। अच्छा इसमें अगर थीटा को 90 डिग्री हमने कहा था मूव कराएंगे तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा? एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ की रेडियस का फॉर्मूला क्या निकला था? एमवी अपॉन क्यूबी क्यूबी। और इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकला था? टाइम पीरियड 2πm अपॉन क्यूबी, यानी कि इसका टाइम पीरियड का वेलोसिटी से कोई लगना नहीं था। ठीक है यहां तक आप बात कर चुके थे है ना। अब हम बात, अच्छा एक चीज और हम बताई थी वेलोसिटी सिलेक्टर। हमने कहा था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और उस पर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कराते हैं और आप चाहते हैं या कोई चार्ज पार्टिकल मूव कराते हैं और आप चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाए, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लिया जेड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल जेड डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी ओर खींचेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी ओर खींचेगा, और हम चाहते हैं वो अनडिफ्लेक्टेड मूव करे, उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसकी वेलोसिटी कितनी देनी थी याद करिए आप, उसको कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए? नहीं याद आ रहा। E by v. अगर E by v से आप वेलोसिटी करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया था इट बिहेव्स लाइक अ वेलोसिटी सिलेक्टर। वी कैन सिलेक्ट द वेलोसिटी, वी कैन सिलेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, किस प्रकार से अनडिफ्लेक्टेड वो मूव करे। ठीक है अब आगे करिए। अच्छा लिखिए the force on a current carrying conductor in the magnetic field। जरा समझिएगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं या इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है, क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रॉन को ईवीवी साइन थीटा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस पर फोर्स क्या लगता है? ईवीवी साइन थीटा। अब बताइए इलेक्ट्रॉन होता कहां है? सड़क पे मूव कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन कहां होता है? इलेक्ट्रॉन सड़क पे तो मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर के अंदर मूव करेगा। अब जरा समझिएगा, ये एक वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इस इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर खींचेगा तो एक्चुअली किसको खींचेगा? कंडक्टर को खींचेगा। तो उसी को हम बताने जा रहे हैं कि व्हाट फोर्स विल बी देयर दैट कंडक्टर फील्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हम जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो, a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, तो हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला होता है n e a vd।
ये करंट का फॉर्मूला होता है, आता है ना? Yes, अगर मैं कहूँ जस्ट नाउ आप प्रूव करिए तो प्रूव कर लेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ इसी वक्त इसको, वो अलग की बात है हम देख नहीं पाएंगे लेकिन प्रूव कर लेंगे ना इसको। अच्छा, अब अगर मान ले कि ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना के रखा हुआ है और इसके एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ए है और ये कंडक्टर जो हमने लिया है वो उसकी लेंथ एल है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है तो उस एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स एक्ट करेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्ट करेगा? इसको हमने एफ डैश माना। क्या फॉर्मूला होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। वी बोले तो वी डी, वी क्या होगा? वी इज द डिफ्ट फ्लस्टी। अच्छा ये बताइए इस कंडक्टर में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द कंडक्टर? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर कितने हैं? बताइए कितने हैं? एन टू ए ट्वेल्व। हाँ, क्योंकि यहां एन जो यूज किया जाता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इस कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम है ए इंटू एल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए एन इंटू ए इंटू एल। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है तो फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, टोटल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो F इज इक्वल टू, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतने फोर्स लग रहे हैं यानी F डैश, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? N इंटू ए इंटू एल। F डैश के लिए रखो E इंटू वी डी इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू ए इंटू एन इंटू एल। इसमें ऐसा करते हैं एन ई ए वी डी अलग कर दो, क्या बचेगा यहां पर? एन लिख दिया है, ई लिख दिया है, वी डी लिख दिया है, बी और एल, बी एल अलग कर दो, साइन थीटा अलग कर दो, ये आई हो गया आई बी एल साइन थीटा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। हैव यू गॉट इट? नाउ विजिबिलिटी इज क्लियर? यस सर। चलिए नोट करिए इसको। उधर से दिखाओ इसको घुमा के। उधर से दिखाओ। हाउ आई एम लुकिंग दिखाओ। रिटर्न? यस सर। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट हम टेस्ला याद करते हैं ना,
यहाँ एक नई यूनिट बन जाएगी सस्ती वाली, जिससे हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या यहां से बनेगी, बी इज इक्वल टू एफ वन आई एल साइन थीटा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो एक्चुअली जब डायमेंशन निकालते हैं ना, तो हमको एसआई यूनिट चाहिए। एसआई मतलब ऐसी यूनिट जिससे हम मतलब टेस्ला और बाल्टी से थोड़ी हम निकाल पाएंगे। तो यानी कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर से हम डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, ये जो कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब जरा इस डायरेक्शन को ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन कैसे आप मालूम करते हैं। एक तो ये वाला होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की जासूसी कंपनी के नाम, जैसे अपने सीबीआई। क्या होता है कि अगर इस राइट हैंड, हाँ लेफ्ट हैंड, अगर इस लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड में हो, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो, तो ये फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। लेकिन अब जब इसमें दिखाते हैं ना, तो डायरेक्शन बनाने के लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर को मूवमेंट करना पड़ता है। तो हमने एक और रूल बताया था, राइट हैंड पाम रूल नंबर टू। दो थे, एक था राइट हैंड पाम रूल नंबर वन। पावनी राइट हैंड पाम रूल नंबर वन क्या बताता था, किस पर बेस्ड है ये? राइट हैंड पाम रूल नंबर वन क्या बताता है, राइट हैंड पाम रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उसके लिए कैसे बताएंगे, कैसे आप देखेंगे बताएंगे? राइट हैंड पाम को पहले आगे लेंगे और फिर जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में करेंगे, और जो फिंगर्स उनको मैग्नेटिक फील्ड की उसमें करेंगे डायरेक्शन। फिंगर को उस पॉइंट की तरफ करेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब आप कह रहे हो कि मैं टर्न होंगी तो उस तरफ कर, अरे 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 देखो, ये नहीं, सुनिए सुनिए, फिर सुनिए। राइट हैंड पाम रूल नंबर वन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, और आप कह रहे हैं उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करेंगे। अभी तो डायरेक्शन मालूम ही नहीं है। हमने कहा राइट हैंड पाम उस तरफ में करेंगे जो, तो मैग्नेटिक फील्ड हथेली के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अपवर्ड बोले तो ये नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये राइट हैंड पाम रूल नंबर वन है। नंबर टू देखिए, नंबर टू किसको बताता है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए क्या कहता है कि इफ इन द राइट हैंड पाम इफ यू स्ट्रेच अवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द That, palm directed upward direction. यानी राइट हैंड के पाम को अगर इस तरीके स्ट्रेच करें कि हमारा जो थंब है इन डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये उंगलियां इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो फोर्स लगेगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट को नोट रखिएगा, ठीक है। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखिएगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। Force between two parallel current carrying wires. Bracket में लिखिएगा definition of ampere. Bracket लिखिएगा definition of ampere. जरा देखिए ध्यान से, दो parallel current carrying wires. ये एक wire है और ये एक वायर है। हमने डेफिनेट लेंथ की बात नहीं की, यानी इनकी लेंथ इनडेफिनेट भी हो सकती है, ठीक है। पहले में आई वन करंट फ्लो हो रही है, दूसरे में आई टू करंट फ्लो हो रही है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली है आर। ये डिस्टेंस है आर। अब बताइए, पहला वाला कंडक्टर अपने करंट की वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्या फॉर्मूला होगा उसका? यानी ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर एट डिस्टेंस आर, इसको मैंने बी वन मान लिया। बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला?
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. सो म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई डी. म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर. वेरी गुड. तो म्यू नॉट अपॉन टू पाई इसको अलग बोला करिए क्योंकि अलग खानदान का है. इनटू आई वन अपॉन आर. ये इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया. अब बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो उसके लिए कौन सा रूल लगाएंगे. अब हम लेफ्ट हैंड लगाएंगे तो ये डायरेक्शन ऐसे ऐसे बहुत हाथ पर करने पड़ेंगे. सबसे सस्ता राइट हैंड क्या करेंगे. इस थंब को करंट डायरेक्शन में करेंगे और उंगलियां उस पॉइंट की तरफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी. इनवर्ड. इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. तो इनवर्ड के लिए हम यहां क्या बना दें. क्रॉस बना दें. अच्छा आप देख रहे हैं कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा. हर जगह होगा नहीं होगा. और इसकी वैल्यू क्या होगी. बी वन होगी. तो आप ये क्या कह सकते हैं कि सेकेंड कंडक्टर पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड बी वन के अंदर आ गया. यस सर. तो इसका मतलब सेकेंड कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया और सेकेंड कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो सेकेंड कंडक्टर पे फोर्स लगेगा. यस सर. तो यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर टू सेकेंड मान ले किसकी वजह से. ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी वन. मैग्नेटिक फील्ड बी वन के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा. फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का. आई बी एल साइन थीटा. तो एफ इज इक्वल टू आई बोले तो आई टू बी बोले तो बी वन. अब एल तो मुझे मालूम नहीं तो मैं मान लेता हूं कि मैं इसकी एल लेंथ ले रहा हूं फिलहाल. तो इंटू एल और थीटा यहां पर क्या होगा. थीटा होता क्या है. करंट और मैग्नेटिक फील्ड. तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है. वन. यानी कि एफ इज इक्वल टू बी वन का मान रख दे तो म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू अपॉन आर इंटू एल. बस ठीक है. अब एल हमने माना है भाई तो हम ऐसा करते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल. तो एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू अपॉन आर. समझ में आ गई बात. टॉपिक नोट करिए. आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस चैप्टर को फिनिश कर दूं. अगर थोड़ा बहुत बच जाएगा तो उसको फिर फर्निश करेंगे नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे नेक्स्ट क्लास. अरे क्या वो स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या. नहीं सो लिखती हूँ. वेरी गुड. अर्णव लिख लिया. यस सर. बोले हम तो सबसे पहले लिखते. अब जरा पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड जो भी कहते हैं. देखो ध्यान से क्या ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर इस पर. अच्छा फोर्स की डायरेक्शन में निकाल लेते. फोर्स कैसे लगेगा इस पर. फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी. देखिए हमने क्या कहा कि करंट की डायरेक्शन में अंगूठा. करंट इज गोइंग अपवर्ड. अंगूठा इज अपवर्ड. उंगली इज डाउनवर्ड. हथेली इज इधर. तो मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा. फोर्स किधर लगेगा. इधर लगेगा. एफ क्या तुम बता रहे हो. लेंथ की लेफ्ट की. अब जरा बताइए क्या इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट किया होगा. किया होगा. और मैं उसकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं. डायरेक्शन क्या रही होगी. So, बाहर की तरफ. ये मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा. ठीक है. इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या इस कंडक्टर पर फोर्स नहीं लगा होगा. लगेगा. डायरेक्शन. अरे ये ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड बाहर करंट ऊपर. हथेली इधर तरफ आ रही है तो फोर्स इधर लग रहा नहीं लग रहा है. Yes. अब देखो अगर करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो
तो दोनों के बीच फोर्स कैसा लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। एक टीचर थे हमारे यहाँ लोकल में, कॉलेज में प्राइवेट स्कूल था, तो वो उनको था कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, वाह। अब बुक से दूर होकर के पढ़ाया, बोले सेम डायरेक्शन, तो चूंकि सेम चार्जेस पे फोर्स कैसा लगता है? रिपल्सन। सेम चार्जेस पे तो बता गया रिपल्सन फोर्स लगेगा, और जैसे बुक के पास पहुंचे तो वहां अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। उन्होंने कहा बुक में गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी बात को सिद्ध करना। अच्छा, बच्चे अच्छे होते हैं, वो फटाक से जहां जहां पढ़ते हैं, एपी सर, जीपी सर, वैभव सर, सबके यहाँ जाकर के पूछते कि साहब ने चूंकि अट्रैक्शन बताया था, तो हम लोगों को भी बात करनी पड़ती कि भैया ये रिपल्सन कैसे लगेगा। बोले करंट, हमें करंट की वजह, देखिए ये फोर्स करंट की वजह से लग रहा है, नहीं। क्या ये फोर्स चार्जेस के बीच में लग रहा है? नहीं। क्या यहाँ कूलम्स का लग रहा है? नहीं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, तो फोर्स विल बी अट्रैक्शन। वैसे भी हिंदी में जो है वो करंट को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं ना, हमने बताया था। यस सर, करंट को धारा कहते हैं। और यहाँ धारा की डायरेक्शन कैसी? सेम है। और जिसकी विचारधारा एक जैसी होती है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है। अट्रैक्शन होता है, विचारधारा अलग अलग है तो दोनों में रिपल्सन। समझ में ही बात नहीं, ये हिंदी में लिखना नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए समझा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जरा इसको अट्रैक्शन लग रहा है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, इन दोनों वायर को एक मरकरी उसमें डाल दिया, आप बनाइएगा नहीं, मरकरी उसमें डाल दिया। तो जब हमने ऐसे, क्योंकि मरकरी कंडक्टिंग होती है, करंट इधर फ्लो हुई, तो करंट जैसे फ्लो हुई सेम डायरेक्शन में, तो हमने देखा ये वायर नजदीक आ, नजदीक आ गए, बोले तो दोनों के बीच फोर्स कैसा लग रहा है? अट्रैक्शन। और जब दोनों के डायरेक्शन चेंज की तो वायर दूर आ गए। तो ये याद रखिएगा, फॉर्मूला विल बी द सेम, कि इफ द करंट इन द बोथ वायर इज इन द सेम डायरेक्शन, देन देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इफ द करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन देयर इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब लिखिए डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, एम्पियर की डेफिनेशन मतलब देखिए होता क्या है। जैसे आपने 11th क्लास में फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ाए ना? Yes, sir. उस लोग बोल नहीं रहे मुझे 11th क्लास पता नहीं क्या होता है, वही कोरोना में जो 11th क्लास होता था उसकी बात। तो उसमें आपने एक स्टैंडर्ड केजी पढ़ा, 1 केजी। तो जैसे शुरुआत में एक 1 केजी की डेफिनेशन दी गई, नहीं भाई इसको 1 केजी माना जाएगा, तो उसी प्रकार से 1 एम्पियर करंट कितनी होगी ये साइंटिस्ट बताना चाहते। तो देखो कैसे बताया उन्होंने, जरा देखिए ध्यान से। अभी हमने क्या बताया, एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। देखो ध्यान से, 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन दी कैसे गई। उन्होंने कहा दी I1 इज इक्वल टू I2 को 1 एम्पियर मान। अब अर्णव साहब आप पूछ सकते हैं, अर्णव मीन्स ऑल द अर्णव, पावनी मीन्स ऑल द पावनी, आप पूछ सकते हैं भैया आपने पहले 1 एम्पियर मान लिया? नहीं। अभी वैल्यू कैसे कितनी होगी ये एक्सपेरिमेंट करके हम बताएंगे। और हमने इस वायर की लंबा, ये दो वायर थे ना, इनको हमने 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा है ना, तो हमने देखा कि पर यूनिट लेंथ जो इस पर फोर्स लग रहा था वो लग रहा था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अरे हेलो, जग रहे हो? यस सर, जग रहे हैं लेकिन पानी का छींटा मार रहे हैं। क्या बोले, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? अरे म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10^-7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10^-7। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 × 10^-7। समझ में बात नहीं आई? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 × 10^-7 न्यूटन पर मीटर। जरा समझिए, अगर किसी भी वायर में, दो पैरेलल स्ट्रेट वायर में 1 एम्पियर की करंट इन ईच फ्लो हो रही हो और वो वायर 1 मीटर डिस्टेंस पर रखें, तो उनके पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगना चाहिए?
2 into 10 power minus 7, तो 1 एम्पीयर की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब आप कहेंगे डेफिनेशन तो समझ में आ गई, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम कैसे कहेंगे ये देखो 1 एम्पीयर, ये वैल्यू 1 एम्पीयर, समझ में आई? अब हम देखा हो कभी दुकान पे आप जाते हैं तो कभी कभी दुकानदार कुछ देहात साइड में जो होता है वो एक ईंटे से तोलता है, वो 1 किलो नहीं होता उसका, ईंटा 1 किलो होता है, तो ये देखो ईंटा 1 किलो। तो उसके लिए हमने क्या किया, जरा सावधान, हमने क्या किया, हमने दो वायर लिए, कितनी लंबाई के लिए, 1 मीटर के लिए, क्योंकि हमको पर यूनिट लेंथ में फोर्स निकालना था, और इनके बीच की दूरी हमने 1 मीटर ले ली, है ना, और हमने इन दोनों में करंट फ्लो करना शुरू किया। हमने एक बैटरी से इसको जोड़ दिया और एक बैटरी से इसको जोड़ दिया, तो करंट इसमें भी फ्लो होने लगी, इसमें भी फ्लो होने लगी, डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी, डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी, अरे प्लस से जोड़ा है तो सेम ही होगी ना, यस सर, ऊपरी तरफ आज सोच रहे हैं अभी तो ऊपरी तरफ फ्लो कराई थी, नीचे तो सेम कहेंगे अपोजिट कहें, अरे भाई दोनों में ऊपर जाए दोनों में नीचे जाए सेम ही कहलाएगी ना। अब देखो इनके बीच फोर्स लग रहा है, इसके लिए हम फोर्स नापने के लिए मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जनरली जो सस्ता मद्दा इंस्ट्रूमेंट है फोर्स नापने का वो क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। तो हमने क्या किया, इन दोनों वायर्स के बीच में एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, समझ में आई बात, अब कैसे लगाया वो बात की बात है, ये बड़ा सेंसिटिव स्प्रिंग बैलेंस, जरा समझिएगा, अगर ये वायर दबेंगे तो स्प्रिंग बैलेंस दबेगा, स्प्रिंग बैलेंस जितना दबेगा वो फोर्स को मेजर करेगा, सही कह रहा हूं मैं, यस सर, अगर ये दोनों वायर रिपेल होंगे स्प्रिंग बैलेंस फैलेगा, स्प्रिंग बैलेंस फैलेगा तो अपने फोर्स कांस्टेंट के हिसाब से वो फोर्स करेगा, ठीक है। अब हमने हमको कितना फोर्स करना है, 2 × 10⁻⁷, जैसे ही स्प्रिंग बैलेंस इतना फोर्स मेजर करेगा वैसे ही करंट को हम स्टॉप कर देंगे, हमने ये सेटअप बना रखा, सुनिए ध्यान से, दोनों में हमने करंट फ्लो करना शुरू की सेम, कितनी हमको नहीं मालूम, हमने जैसे फोर्स बनाया तो अब दोनों वायर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन, अब और अट्रैक्शन होगा तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, दबेगा, दबेगा, तो फोर्स को मेजर करेगा, हमने सेम करंट फ्लो कराई, धीरे धीरे करंट को चेंज कर रहे हैं, करते करते क्या किया हमने, जब ये स्प्रिंग बैलेंस दब के इतना फोर्स बताने लगा तो हमने करंट को स्टॉप कर दिया, और हमने कहा है करंट कितनी है, तो देखो डेफिनेशन ये हो गई, और एक्सपेरिमेंटली 1 एम्पीयर कितना होता है ये हो गया, ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गई, तो पहले इसको लिखिएगा फिर डेफिनेशन। हो गया, yes. अब जरा 1 एम्पीयर की डेप्थ से लिख लीजिएगा, वैसे तो आप जानते हैं कि 1 एम्पीयर वो करंट होती है जो स्ट्रेट पैरेलल वायर्स जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हैं उनकी पर यूनिट लेंथ में इतना फोर्स लगाए, अब वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सन भी हो सकता है, हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देंगे तो रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगेगा तो दूर भागेंगे ये वायर, दूर भागेगी तो स्प्रिंग बैलेंस तब भी फोर्स को रीड करेगा, तो लिखेगा 1 एम्पीयर इज द करंट, 1 एम्पीयर इज द करंट विच ऑन फ्लोइंग इन ईच ऑफ द टू, विच ऑन फ्लोइंग इन ईच ऑफ द टू, इन ईच ऑफ द टू पैरेलल इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स, टू पैरेलल इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स प्लेस्ड एट 1 मीटर apart, placed at 1 meter apart, and produces
between them a force of produced between them a force of 2 into 10 power minus 7 newton per meter. 2 into 10 power minus 7 newton per meter. तो डेफिनेशन समझ आ गई, ठीक है। अब इसका लास्ट टॉपिक सोलेनाइट, लास्ट ईयर सिलेबस से हटा दिया गया था, सॉरी क्या बोल रहा हूं, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इसको समझने की कोशिश करिएगा, कंस्ट्रक्शन बेस्ड ये टॉपिक है, समझा देंगे, इसके नोट्स उठा लेना, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन आता है, सावधान। बोले सुनाई पड़ रहा है? यस सर। देखो हमको नेचर में किसी भी चीज को जानने के लिए हमको उसको तोड़ना पड़ता है, तोड़ तोड़ के हमने जाना। जैसे जब रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस की खोज की थी ना, तो रदरफोर्ड साहब थोड़ा दिमाग से पैदल निकले, रदरफोर्ड चाहते तो रदरफोर्ड ही ये अल्फा क्या कहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कर डालते, लेकिन वो जल्दबाजी में खोज करके दे दिया कि ले ले जाओ, इसके बाद मौका दे दिया और लोगों को, भाई आप न्यूक्लियस तक पहुंच गए थे तो आप तोड़ देते न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस को तोड़ते तो वहां कुछ अननोन पार्टिकल मिलते, उनका कोई नाम रख देते, रदरफोर्डियन फोर्डियन रदर्स कुछ भी नाम भी देते, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जगह। तो उन्होंने कैसे न्यूक्लियस की खोज की, तोड़ा होगा उसको, कैसे खोज की उसको, तोड़ा होगा ना, ब्रेक करके सब देखा होगा, उसके अंदर कुछ निकला होगा, और जो निकला होगा उसका नेचर देखा होगा, तो उस समय तक जो भी नॉन पार्टिकल्स है उनके नेचर से वो टैली नहीं कर रहे होंगे, उन्हें कभी ये टैली नहीं कर रहे हैं, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन है। अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन की खोपड़ी घोटने की तैयारी चल रही है, उस तरह लेके जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इलेक्ट्रॉन की खोपड़ी ऐसी कर रहे हैं, अब देखो कब खोपड़ी घुट जाती है, कोशिश करें इलेक्ट्रॉन को तोड़े, देखिए उसके अंदर कुछ अंडे बच्चे इलेक्ट्रॉन के हैं कि नहीं है। तो इनको तोड़ा कैसे जाए, किसी पार्टिकल को कैसे तोड़ा जाए, आपको बहुत तेज से उस पर हिट करना पड़ेगा तोड़ने के लिए, सही कह रहा हूं, बोलते रहिए थोड़ा सा, यस सर, बहुत तेजी से हिट करना पड़ेगा ना, आप तो आप हिट करने के लिए जा समझिएगा, हम अगर आपको तोड़ना चाहते नहीं मतलब वर्चुअल तोड़ना, तो हम हिट करने जा रहे हैं, आपके यहाँ झाड़ू होगी ऐसे झाड़ू, एक तो फूल झाड़ू होती है, एक सीख वाली होती है, कौन सी झाड़ू है, एक फूल होती है और एक सीख वाली होती है, तार वाली, ठीक, और एक पतले सीख वाली ली झाड़ू होने मारे खेलो, अरे खेलो कितनी तेज चोट आपको लगेगी, लगेगी नहीं, थोड़ा वो लगे अलग की बात है, अगर लाठी मार दे तो सर फट जाएगा, क्यों, हम पूरी ताकत से आपको मार रहे हैं, लेकिन एक सीख जो पतली होती है जिससे झाड़ू लगाई जाती है उससे मार रहे हैं, और एक लाठी लेकर के जो पुलिस वाला होता है उससे मार रहे हैं, तो चोट किसमें ज्यादा लगेगी, लाठी, बोले सीख बोल देते हैं जिसे सीख से ही मार रहे हैं, लाठी वाले में ज्यादा चोट लगेगी ना, क्यों, लाठी वाले की मास ज्यादा है, तो हमको किसी चीज को हिट करने के लिए हैवी पार्टिकल मारना पड़ेगा पहली बात, और तेजी से मारना पड़ेगा। तो साइक्लोट्रॉन में हम करते क्या है, साइक्लोट्रॉन में हम किसी चीज को जब टारगेट करना होता है तो एक होता है बड़ी तेज से कोई चीज रोटेट करेंगे, एक चीज मतलब हैवी पार्टिकल, हैवी चार्ज पार्टिकल को फोकस के एक्सलेट करेंगे, खूब करेंगे और जाके हिट कर देंगे जाकर। आपने पिक्चरों में देखा होगा हीरो जब विलन को मारता है तो ऐसे नहीं मारता, वैसे घूमता ऐसे ऐसे मारता, ऐसे मारता दो चार छोटे मार के गिरा देता, देखा कभी पिक्चर में, वो साइक्लोट्रॉन पढ़ के आया है, ऐसा थोड़ी है, उसको साइक्लोट्रॉन पड़ा है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जो हैवी चार्ज पार्टिकल को, जैसे प्रोटॉन हुआ, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रल नहीं, प्रोटॉन हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, इनको एक्सेलरेट करके इनको एनर्जाइज करने की क्षमता रखता है। समझ में आ गई बात, जैसे आप ऐसे कोई चीज पकड़ लीजिए, फुक्का से ऐसे ऐसे घुमाइए तो आप क्या देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती कि नहीं बढ़ती, यही साइक्लोट्रॉन में करना है। तो बोले हम ऐसे ही से ना घुमा दे, अरे वो आउट तेजी से घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात साइक्लोट्रॉन क्या होता, समझ आ गया, ये किसी हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की क्षमता रखता है, जिससे हम यूज क्या करेंगे, हम किसी न्यूक्लियस को किसी चीज को तोड़ने के काम में लाएंगे, या हमको किसी एटम के अंदर मान लेते हैं हम कोई चीज तोड़ना चाहते हैं,
तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको बम्बार्डमेंट उसमें करना पड़ेगा तेजी से, जैसे रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो कह रहे हैं कोई चीज एटम्स तोड़ा गया, मान लिया न्यूक्लियर, न्यूक्लियस को तोड़ना है आपको, जो न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन होता है ना, आपने उसमें केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजन, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको आगे, न्यूक्लियर फिजन पढ़ा है ना, न्यूक्लियर को तोड़ना, तो न्यूक्लियस कैसे तोड़ा जाता है, बहुत तेजी से हमको न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करना पड़ता है उसके अंदर। अब बताइए क्या न्यूट्रॉन को साइक्लोट्रॉन घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते, तो हम क्या करेंगे प्रोटॉन को बहुत तेजी से घुमाएंगे और प्रोटॉन बहुत तेजी से जाके हिट करेगा किसको, न्यूट्रॉन को, और न्यूट्रॉन घुस जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस टूट जाएगा। तो हम इसका यूज क्या करते हैं, हमको कभी कभी अपने न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए हमको एक हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन चाहिए होता है जो न्यूक्लियस को तोड़ सके, तो उसे एनर्जाइज करने के लिए हम करते क्या है, एक हैवी चार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन की मदद से एक्सलेट करते हैं और उसको जाके न्यूट्रॉन में हिट करते हैं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और न्यूक्लियस को तोड़ देता है, तो ये यूज साइक्लोट्रॉन का हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हमको कुछ आयन्स चाहिए चाहिए, उसका जो भी रीजन हो, हम न्यूक्लियस के अंदर डाल करके या किसी एटम के अंदर डाल करके कुछ रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो आयन्स को उसके अंदर इंटर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बड़ी तेजी से लेकर के उसमें हिट करना पड़ेगा, वो तेजी से करने का काम कौन करता है, साइक्लोट्रॉन करता है। तो लिखिए साइक्लोट्रॉन, लिखिए इट इज अ डिवाइस टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, टू एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल, केवल चार्ज ना लिखिएगा, हैवी चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा, हैवी होनी चाहिए, टू वेरी हाई एनर्जी। अब देखो इसको किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा और डिटेल में बता करके न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। जरा देखिए सावधान, आपके यहाँ रोटियां मम्मी काहे में रखती है, डब्बे में रखती है ना, रोटी रखने के लिए डब्बा होगा ना, गोलू गोल गोल डब्बा है, चौकोर डब्बा है, गोल डब्बा होता है ना, उसको पीछे काट देना है, नहीं मतलब हमको ना बताना कि हमने कहा, वैभव सर से कहेंगी अर्णव की एक महीने की फीस डब्बे में से एडजस्ट, डब्बे को काट देना और ऐसे डी शेप में कटेगा और उसको ऐसे दिखाना तो बीच में गड्ढा होगा ना उसमें, पर डब्बा बंद है, डब्बे को बीच से काटो गोल डब्बा है तो डी शेप में आएगा, ऐसे दिखाएंगे तो उसमें अंदर खोखला होगा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे दो डी शेप के हालो इस प्रकार से हम ले लेंगे, वही जो आपका गोल रोटी वाला डब्बा है ना वो हमने ऐसे काट दिया, हमको ना बताना हमने कहा पहले बताया, ऐसे इसके अंदर क्या है खोखला ही डब्बा है थोड़ा मोटा, अब 3D डायग्राम किसी बुक में अच्छा बना होगा देख लेना, अच्छा ही बनाएंगे हम, ठीक है। अब जरा देखिए यानी कि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना होगा, जीरो, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसके बाद एक इसमें ऑसिलेटर लगा देते, इसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, पहले इसका मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब ये होता है ये कभी इसको पॉजिटिव करता है कभी इसको पॉजिटिव करता है, ये अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव करता रहता है, मतलब ये पोलरिटी इसकी चेंज करता है, समझ में आ गई बात, और इसका एक टाइम होता है कि इतने टाइम में ये ऑसिलेट करेगा। अब जरा समझिएगा ये डब्बा है, अब डब्बा तो हमारे पास है नहीं, ये डब्बा आपने रखा हुआ है ठीक है, ऐसे खाली दो रखे हुए हैं और ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, यानी ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाया, यानी ऊपर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, समझ आ रही बात नहीं आ रही, मतलब इसके परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मतलब जो डब्बा आपका है, हाँ गया डब्बा, ये डब्बा आपका है, अब डब्बा नहीं है समझ, ये कहाँ डब्बा है, ये आपने काटा है, ये डी शेप के दो हैं और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और नीचे है, समझ आ रही बात नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब सावधान, जब इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे इस ऑसिलेटर से तो ये माने पॉजिटिव हो गया, ये इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, तो इसके जो कैप बीच में जो गैप है, जो डब्बे को आप थोड़ा सा दूर करके रखे हो, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होगी प्लस से माइनस की ओर, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, ध्यान से समझिएगा, अब हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया,
रेस्ट में रख दिया। अब बताओ इस पॉजिटिव चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, यस और नो? जानते हैं F बराबर Q into E, पहले रेस्ट में था फोर्स लगेगा तो एक्सलेट हो जाएगा, A is equal to F बार, ये एक्सलेट करके इसके अंदर घुस जाएगा। जब इसके अंदर घुसेगा तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है? हालो है, वो डब्बा आपने काटा है उसके अंदर खोखला है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं है, है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या ये रुक जाएगा वहां? नहीं रुकेगा। क्यों? इनर्शिया की वजह, थोड़ा तो दूर चलेगा, लेकिन जैसे इसके अंदर जाएगा एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नीचे की तरफ परपेंडिकुलरली, तो ये ऐसे टर्न हो गया, समझ आई बात? सर्कुलर कितना टर्न हुआ? आधा। यहां से यहां तक जब टर्न हुआ सेमी सर्कुलर पाथ में तो कितना टाइम लगा? अब बताइए सर्कुलर पाथ में टर्न करने के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बोला? 2πm/qb। ये आधा टर्न हुआ तो πm/2b। अब बताओ यहां से यहां तक टर्न होने कुछ टाइम है ना? यस सर। वही टाइम मैंने ऑसिलेटर को फिट करा था, बिल्कुल डिटो वही टाइम फिट करा था, कि जैसे ही भाई साहब यहाँ आए वैसे आप इसकी पोलरिटी चेंज कर देना, यहाँ नेगेटिव कर देना और यहाँ पॉजिटिव कर देना, समझ आ रही बात? Yes. जैसे ये यहाँ आए इनको सामने कौन दिखाई पड़ा? नेगेटिव, और ये फट से नेगेटिव में घुस गए, ये ऑलरेडी मोशन में थे अंदर घुस गए, तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ गई? नहीं बढ़ गई भाई, वेलोसिटी में थे ही और एक्सेलरेशन लग गया और वेलोसिटी बढ़ गई, सही बोल रहा हूं मैं? और वेलोसिटी बढ़ गई, इसके अंदर गए तो ये सर्कुलर पाथ में मूव किया, अब रेडियस बढ़ गई, क्या रेडियस बढ़ गई है तो इस सर्कुलर पाथ का टाइम चेंज हो जाएगा? Yes. है? कौन सा चेंज हो जाएगा? अरे भाई रेडियस बढ़ गई तो वेलोसिटी भी तो बढ़ गई है, हमने कहा था टाइम पीरियड 2πm/qb होता है, उसकी वेलोसिटी कोई मतलब नहीं, रेडियस से कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो इसका टाइम पीरियड भी उतना ही होगा जितना इसका टाइम पीरियड था, ये घूमा, समझ आई बात? सभी को समझ आ रही है ना बात? टाइम तो सेम लगेगा, ऑसिलेटर को पहले से हमने कर रखा है कि आप पोलरिटी चेंज करना, जैसे यहाँ पहुंचा ये पोलरिटी आ गई, ये क्या हो रहा है लगातार धड़ 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 मूव करता जा रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही, नहीं बढ़ती जा रही? Yes, sir. अब बढ़ती गई, और एक ऐसी स्थिति आई जब बहुत हो गई, यहाँ पर मैंने एक विंडो बनाई सड़क से जाकर के, यहाँ टारगेट को टकरा दिया और यहाँ पे जो रखा था उसकी स्थिति ऐसी हो गई, समझ आ गई बात? Yes. तो कॉन्सेप्ट पकड़ में आया, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना नेक्स्ट क्लास में, 10 मिनट का समय मैं इसके लिए दूंगा थोड़ा सा, कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं यूज कर सकते, क्या इसका यूज करते, थोड़ा डिटेल इसकी मैं बात करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल होंगे इसके पहले वाले चैप्टर के, उसको पढ़ के बैठिएगा, ठीक है? अब yes. देखो आज उसकी मोबाइल का सिस्टम देखते हो कि वो फोकस कर रहा है, क्या हो रहा है, चलिए हमको लगता है आज कुछ ज्यादा गोरे लग रहे थे, बार बार हमका रहा, हमने फोकस कर रहा होगा, नहीं लग रहा क्यों अर्णव? क्या तुम्हें लग रहा है? आपने कोई लाइटिंग चेंज की क्या? तुमने कुछ नहीं चेंज? नहीं नहीं, नहीं वो न्यू आज वैभव सर ने गिफ्ट किया था हमको। अच्छा, तो हाँ गिफ्ट किया, तो मैं उसको आज सेटअप करके कहा था कि इसको एक बार चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, हमने कहा तुम्हारे सामने चेक कर लेते हैं, तो लाइटिंग कुछ नहीं चेक की, कैमरा थोड़ा सा उसका होता पता नहीं क्या, इतना वो फोकस क्यों कर रहा था, फिर बच्चे का मोबाइल लगा के देखा, फिर ये लगाया, फिर सिस्टम लगाया, सर फ्लैश तो नहीं ऑन था बेटा, हमको कुछ नहीं मालूम है, अब आज देखेंगे क्या क्या है, अब आज सेटिंग देखेंगे, हम लोग बूढ़े आदमी इलेक्ट्रॉनिक्स मालूम है थोड़ा सा, नॉलेज बढ़ा रहे हैं तुम लोगों की हेल्प से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिला, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, ओके गुड, अभी रखो भी कैसे लिंक नहीं भेजोगे, भैया तो एक ही भेज दो, भेज दो।